हमने विषय लिया है 18 पाप और 9 पुण्य। उसमें हमने प्राणातिपात को देखा है, मूर्छावाद को भी समझने की कोशिश की है और उसके साथ अन्य पुण्य को भी हमने जोड़ा है। वो एक इतना लंबा विषय है वो कि चाहे जितना हम उस पर बोल सकते हैं। महाराष्ट्रियन लोग कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करते समय हजार लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वे क्या करते हैं, हर गांव में एक ट्रक भेजते हैं, एक टैंकर भेजते हैं, टैंकर भर कर के आमटी और ट्रक भर के रोटियाँ जो अपने पास होगी, जितना जिसकी जैसी शक्ति होगी, 2, 4, 6, 10 जितनी रोटियाँ उसके अंदर, तो कीर्तन हो जाने के बाद सबको खाने के लिए बैठाते हैं, बाल्टी में आमटी लेते हैं और सबको परोसते, सबके घर की आमटियाँ होती है उसके अंदर और वो लोगों को परोसते हैं। और वो रोटियाँ जो आई है उनको कोई घी वगैरह तो होता ही नहीं है, तेल घी महाराष्ट्रीयन लोगों में रोटियों को लगाने की आदत ही नहीं है, तो ऐसी रोटियाँ और आमटी लोगों को परोसते हैं और कीर्तन का कार्य संपन्न करते हैं। ऐसे सिखों के अंदर लंगर लगाता है, लंगर लगता है तो वहाँ पूछता नहीं वो कौन सी जात का है क्या है, बस जो बैठ गया उसको परोसना है, इतना ही उनको ख्याल में होता है, जो बैठ गया है उसको परोसना है। इस तरह से सिख लोग लंगर लगा के अन्नदान करते हैं, महाराष्ट्रियन लोग आमटी और भाकरी का अन्नदान करते हैं और जैनी लोग तो अपने समाज रो है, कहीं आपला धर्म रो है, कहीं आपलो असल तो जिमावाला, नहीं तो कोई कोई आइन बैठ जाए तो की कर चाली। इस तरह से हम लोग मारवाड़ी है ना, उसमें फर्क पड़ता ही है, उसमें हिसाब से बात होती है, बेहिसाब बात वहाँ नहीं चलती। किंतु फिर भी अन्नदान हमारे यहाँ भी होता है, वो एक विषय अलग है, लंबा विषय है वो। आज हमें देखना है प्रणातिपात, मूर्छावाद और तीसरा होता है अदत्त आदान। अदत्त बिना दिया हुआ लेना, आदान यानी लेना और अदत्त यानी बिना दिया हुआ, बिना दिया हुआ लेना उसको अदत्तादान कहते हैं। अदत्तादान का दूसरा नाम चोरी होता है। ये चोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है सफ़ेद चोरी और एक होती है काली चोरी। रात को करते हैं वो काली चोरी होती है और बिजनेस के अंदर चोरी करते हैं वो कैसी होती है, मालूम तो पड़े नहीं और बीच में से काट तो लिया है तो वो सफ़ेद चोरी होती है। चोरी होती सफेद काले फिल फल दोनों का मिलता, निर्धन होता अभाव खलता, जेल में फटके खाता हो सब माल खरीदो। त्रिशलानंदन की दुकान है सब माल खरीदो, त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। हमारी यहाँ प्रतिक्रमण के अंदर अदत्तादान तीसरे नंबर का स्थूल, तीसरे नंबर का अनुव्रत हमारे यहाँ आता है, उसके अंदर बताए चोर की चुराई हुई वस्तु लेना। चोर की चुराई हुई वस्तु लेना भी चोरी है। होता ये है खेत में लोग काम करने के लिए जाते हैं, अंगूर के बगीचे में चले गए, अंगूर के गुच्छे अपने साड़ी में छुपा लिए और शाम को सेठों के घर गए और कहते आधे दाम में हम देने को तैयार है, और सेठ लोग कहते हैं बाजार में इतनी मूँगी मिले आते सस्ती मिले ले लो। इस तरह से चोर की चुराई वस्तु लेना, चाहे अंगूर लेना है चाहे और कोई फल लेना है, इस तरह से चोर की चुराई हुई वस्तु लेने की आदत हमारे लोगों को पड़ी हुई होती है। और सोना चांदी भी लोग बेचने के लिए लाते हैं, नीचे तो पीतल होता है और ऊपर सोना बता देते हैं, और आप सोना भाव इतना मूंगा हुआ है तो सस्ते में ले लो, इस तरह से लेते हैं और फिर कपाल को हाथ लगा के रोते हैं, अरे नीचे सगड़ो पीतल निकलो, मैं सोनो मनु लियो इतना पैसा दे दिया और वो तो सगड़ो नीचे पीतल निकला।
कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, चोर की चुराई वस्तु लेते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं कि कितना महंगी चीज हमने सस्ते में ले ली। चोर की चुराई वस्तु लेना भी चोरी है, चोर को सहायता देना भी चोरी है, चोर को कहना तू चोरी कर हम बाहर है, ऐसे अपने लोग हैं। हमको व्यवहार करते समय मालूम पड़ता है या नगर्रा लोग चोर ने सहायता करे, दरोड़ा डालने वाले लोगों को कहते हैं हमने तुमको सारी जानकारी दे दी है किसके घर में कितना धन है, किसके घर में कितना धन है, तुम अपना काम करो हम बाहर बैठे हैं, और ऐसी कोई बात हुई तो आपको सूचना दे देंगे कर आप यहाँ चोरी कर सकते हैं। इस तरह से चोर को सहायता देना और उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी रखना, उसके अंदर जो आपने लूटा है उसमें से आधा हमारा रहेगा आधा तुम्हारा रहेगा, हमने आपको सहायता दी है तब आप इतनी चोरी कर सके हो। इस तरह से चोर को सहायता देने वाले लोग भी अपने समाज में हमने देखे हैं। चोर को सहायता करना, चोर की चुराई हुई वस्तु लेना, चोर को सहायता करना, उसके बाद राज विरुद्ध काम करना, टैक्स नहीं चुकाना, बस में ट्रेन में मुफ्त में प्रवास कर लेना, ये सारा क्या है, राज की चोरी है। भगवान ने कहा है राज के विरुद्ध भी काम नहीं करना, राज के विरुद्ध काम करने वाला भी चोर कहलाता है, वो भी नहीं करना। हमारे लोग दुकानदारी करते थे पहले अब तो वो जमाना नहीं रहा, पहले ऐसे तराजू में तोलते थे और ऐसा बराबर हाथ हिलाते थे, इधर का वजन ज़्यादा हो जाता था और इधर का वजन कम हो जाता था, ऐसे क्या करना, कूड़ा तोल कूड़ा माप करना, यानी माप तोल में भी घोटाला कर देना, कपड़ा करना है तो इधर से कपड़ा नापा है उधर से क्या कर लिया, इधर से कपड़ा खींच लिया और दो दो इंच कम हर मीटर में कपड़ा दे दिया, वो समझते कि हमने बहुत काम कर लिया, बहुत बड़ी कमाई कर ली। अरे भगवानों, इन सब का फल जीव को मिलने वाला है, अब फल मिलेगा तब अकेला भोगेगा, अभी तो आपने कमाई की है पूरा घर उसका आनंद लेगा, तो आगे चलकर आपके फल आपको भोगना पड़ेगा। इस तरह से हमको भी आदत पड़ी है वस्तु में कूड़ा तोल कूड़ा माप करना, और फिर वस्तु में भेद संभेल करना, वस्तु में मिलावट करना। लोग चाय के पाउडर का धंधा करते हैं, हल्की पाउडर उसके अंदर मिला देते हैं, बढ़िया पाउडर उसके अंदर मिला देते हैं और बड़े बढ़िया भाव से उनको बेचते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो मिलावट के कारण हम अपने जिंदगी को कमाई के रास्ते पे लगाते हैं। जमाना है मिलावट का, मिलावट की न कुछ पूछो, कि चीजों में मिलावट है कि बीजों में मिलावट है, नस्ली घी नजर आता न प्योर दूध भी चखा, न प्योर दूध भी चखा, अनाजों में मिलावट है मसालों में मिलावट है, अनाजों में मिलावट है मसालों में मिलावट है, कहा बीमारी ने आओ कि मिल कर के करे हमला, के मिल खतरा नहीं कोई दवाओं में मिलावट है, जमाना है मिलावट का कि चीजों में मिलावट है, ये धुंधली आँख हिलते दात यूं फरियाद करते हैं,
के यू फरियाद करते हैं कि अंजन में मिलावट है और मंजन मिलावट है कि अंजन में मिलावट है मंजन में मिलावट है तब सुम इस मिलावट ने उजाड़ा आशिया अपना उजाड़ा आशिया अपना गमों का जिक्र ही क्या गमों का जिक्र ही क्या करे के खुशियों में मिलावट है जमाना है मिलावट का मिलावट की न कुछ पूछो सारा संसार झूठ से भरा हुआ है सारा संसार झूठ से भरा हुआ है जो ज़्यादा मीठा बोलता है वो ज़्यादा दगा देता है जो ज़्यादा मीठा बोलता है वो ज़्यादा घोटाला करता है आखिर आदमी विश्वास किस पे करे और कैसे अपने आप को प्योर वस्तुओं से परिचित कराए भगवानों इस तरह से हमारे यहाँ चोरियों के कई प्रकार है अदत्तादान चोरी तीसरा पाप ज्ञानियों ने बताया है और ये अदत्तादान पाप करना अपने जिंदगी में बहुत बड़ा कर्म बंध का कारण होता है और हमको लगता कई फर्क पड़े ये तो करे तो कई फर्क क्यों करने पड़े थाने भोगनो पड़ी जरे मालूम पड़ी ला कर्म किसा उदय में आवे तो हमको लगता है कि हमने तो काम कर लिया तीजे कान किसी को मालूम नहीं पड़ा पर कर्म के परमाणु बराबर आपके आत्मा की तरफ दौड़े चले आते हैं तो कर्म बंध आपको भोगने ही पड़ते हैं भगवानों कभी कभी होता ये है टेबल साफ कर रहा था नौकर वहाँ नोटों की गड्डी मिली उसको गड्डी मिली तो ला करके उसने क्या करी मालिक के पास दे दी कि ये नोटे वहाँ पड़ी थी मालिक ने कहा अरे मूर्ख वो झूठी नोटे है खोटी नोटे है इसीलिए तो ला के दिया बोले तुमको खैर सच्ची होती तो मैंने रख लेता क्या सच्ची होती तो मैं रख लेता पर ये झूठी नोटे है और वहाँ पड़ी थी मैंने ला के दिया है इसका कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने झूठी ही थी और इसके लिए आपके पास ला के दिए भगवानों कर्म भुगतने पड़ते हैं कर्म किसी भी तरह से भुगतने पड़ते हैं हमारा परिचित परिवार है महाराष्ट्र में रहने वाला परिवार है और उसकी 60-70 बरस पहले की कथा है कि उनके घर में एक बुढ़िया रहती थी बूढ़े दादी जी रहते थे और दादी जी के पास इतना सारा डब्बा सोने का भरा हुआ था उन्होंने कहा था ये डब्बा मेरे भतीजे को तुम दे देना क्या करना मैंने जिंदगी भर संभाला है मेरे भतीजे को तुम दे देना और दादी जी सीरियस हो गए थे और वो भतीजा वहाँ आवे तब तक तो दादी जी चले गए सांस बंद हो गई उनकी और इन लोगों ने क्या किया वो डब्बा भतीजे को बताया नहीं ऐसा ही अपने पास रख लिया आगे चलकर उनका जवान लड़का इतना सुंदर लड़का था वो खत्म हो गया बहू विधवा हो गई और बहू रोज रोती और रोटी नहीं खाती थी मुझे ले जाते तू चाल घरे थारकन देखने बिन्नी रोटी खाई रोटी नहीं खाए कई भी हुए तो रोवने बैठे इस तरह से उनके घर में देखो तो ऐसी तरह हो गई कि स्वयं बेटे को खो बैठे दूसरी बात उनकी बहू बिल्कुल ढंग से रहती नहीं थी और वो माथे पे चढ़ गई थी उन्हें छोरो हुए नहीं तो इस तरह से भगवानों आपको लगता है कि अन्याय की कमाई हम पचा लेंगे पर अन्याय की कमाई पचती नहीं है किसी न किसी रूप में हमारे सामने वो आ जाती है इसके लिए हमें चाहिए कि हम जहाँ तक बने हमारे भगवान की आज्ञा है ईमानदारी से रहो किसी की पराई वस्तु आप ऐसे तो हाथ नहीं देते किसी को और ऐसा हाथ करके नहीं लेते पर दूसरे ढंग से आप कमाई करना नहीं भूलते कच्छ के मोर भी गांव में
कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप आया था, भूकंप आया था तो उसके अंदर मोरबी गांव के एक सेठ ने देखा लोग मरे हुए हैं और उनके शरीर पे इतना गहना है, तो अपन ले लिया तो क्या हर्जा है। तो उसने क्या किया, भूकंप में दबे हुए एक औरत के शरीर पे बहुत सारा गहना था, कान में था, गले में था, हाथ में था, सारा उसने क्या कर लिया, उतार लिया और अपने पास रख लिया। आगे चलकर उनकी बहू, उनका बेटे की शादी हुई और बहू घर में आई, तो बहू घर में आई तो उस समय बहू ने सारे गहने पहने और जाने को निकली थी कि इतना जोरदार धक्का भूकंप का लगा दोबारा कि बहू तो वही माटी में दब गई। और ससुर ने देखा, लोगों ने सरकारी लोग आए, माटी बाजू में करी तो बहू देखी सारे गहने उसके शरीर पे पहरे हुए हैं और बहू मरी हुई है। ओहो, इतनी मुश्किल से मेरे बेटे को मैंने परनाया था और बहू उसकी ख़त्म हो गई, वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया। उसके बाद उसके पास लोग आए कहने के लिए, ये देखो प्रेत के ऊपर गहना जा रहा है, तुमको लेना है तो ले लो। उसने कहा, भैया एक बार ले लिया, अब दोबारा नहीं लेना, मेरी बहू खो दी मैंने उसके लालच में, उस मुफ्त के सोने के लालच में मेरी बहू चली गई, अब मैं क्या करूं, इसके अपेक्षा मुझे ये गहना अब दोबारा नहीं चाहिए, झूठ का पैसा मेरे घर में नहीं आना चाहिए, झूठ का पैसा घर में आएगा तो मैं और ज़्यादा बर्बाद हो जाऊंगा, इधर से तो आता हुआ नज़र आएगा, उधर से किस रास्ते से चला जाएगा इसका पता नहीं लगता है। भगवानों, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अचौर्य व्रत का पालन करें, अचौर्य व्रत का पालन करें, यानी मेरे द्वारा चोर की चुराई हुई वस्तु नहीं लेना, चोर को सहायता नहीं देना, कूड़ा तोल कूड़ा माप नहीं करना, वस्तु में भेद संभेद नहीं करना, राजविरुद्ध कोई काम नहीं करना। ये भगवान ने पहले से हमको लक्ष्मण रेखा डाल के दी है, भगवान ने कहा है प्रतिक्रमण में आता है और ये प्रतिक्रमण हम करते हैं तब मिच्छा मिदुक्रम देने के लिए ये सारी बातें बताई हुई है कि इस तरह से अगर कोई धन आपके घर में आया हो तो वो मेरा पाप मिथ्या दुष्कृत हो जाए, मुझे वो पाप नहीं करना चाहिए था, मैंने पाप किया है, भगवान मुझे माफ़ कर देना, भगवान मुझे माफ़ कर देना। इस तरह से प्रतिक्रमण में हम लोग बताते हैं भगवानों, इस तरह से एक पाप, दो पाप और एक पुण्य, दो पाप एक पुण्य, इसके अंदर दूसरा जो पाप है मेरा, दूसरा जो हमारा पाप है 18 पाप में प्रणातिपात मूर्छावाद अदत्तादान, उसके आगे आता है मैथुन, उसके ऊपर बहुत सुंदर कथा है, वो कथा कल आपको मुझे कहनी है, आज नहीं कहूँगी, बहुत समय लगेगा उसको, एकदम सत्य बनी हुई कथा है और इतनी सुंदर कथा है कि आप सुनते रह जाओगे, तो वो कल आपको सुनाने वाले हैं। आज हमने खाली एक अचौर्य व्रत को देखा है, अचौर्य व्रत को देखा है तो अचौर्य व्रत में हम भी कूड़ा तोल कूड़ा माप नहीं करेंगे, चोर की चुराई हुई वस्तु नहीं लेंगे, वस्तु में भेद संभेद नहीं करेंगे, जहाँ तक बने हम चोर को कभी सहायता नहीं देंगे। इस तरह से आप मन ही मन संकल्प कर लो तो तीसरे पाप से आप बच सकते हो। सभी लोग अपने तीसरे पाप से बचे और अपने जीवन में अच्छे काम कैसे हो उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहे, इस तरह की भावना रखते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।